काफ़ी खतरनाक जंगल और यहाँ पर काफ़ी रोड उबड़ खाबड़, और मुझे वाइल्ड एनिमल का भी डर लग रहा है, और मुझे वापस हो रहे हैं हम दुख तो यहाँ से। और देखिए, जय श्री राम, भारत माता की जय, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं रमेश। और दोस्तों देखिए, मैं आज निकल गया हूँ फिर एक नई जर्नी में, और मैं निकल गया हूँ अभी सीधे पटरानी को। 2 किलोमीटर पटरानी है और मैं आपको दिखाता हूँ देखिए जंगल का व्यू यहाँ का, और हमें क्या मिलता है। पटरानी भी काफ़ी घने जंगल के बीच में एक गाँव है, और आज हम चल रहे हैं पटरानी में। और दोस्तों देखिए, पटरानी का ये रास्ता उबड़ खाबड़ और काफ़ी एडवेंचर भी होने वाला है गाइस। आज देखिए दोस्तों, ये देखिए देखिए, यहाँ से लोग आते हैं, यहाँ से रामनगर 30 किलोमीटर है, तो लोग आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कैसे आते होंगे लोग। देखिए इतने घने जंगल से, देखिए ये पैदल भी आते हैं लोग यहाँ से। और पटरानी का ये जंगल, और हमें काफ़ी संभल के जाना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर हाथी का भी कितनी बार अटैक हो जाता है गाड़ियों पे, तो हमें बिल्कुल धीरे शांति से यहाँ से निकलना पड़ेगा आराम आराम, क्योंकि रोड भी काफ़ी ख़राब है यहाँ। काफ़ी उबड़ खाबड़ रोड है यहाँ पर, और देखिए दोस्तों जंगलों में कभी भी डामर रोड नहीं बन सकती, क्योंकि ये वन विभाग की रोड होती है। फायर सीजन चला है दोस्तों आजकल, तो जंगलों को बचाएं और जंगलों में तिल्ली ना डालें, जली हुई तिल्ली, बीड़ी, सिगरेट ना डालें बिल्कुल। और जंगलों को बचाएं। और देखिए यहाँ पर 2 रास्ते थे और हमें पता नहीं कौन सा रास्ता कहाँ को जाएगा। और देखिए काफी एडवेंचर, काफी काफी उबड़ खाबड़, कहीं हमारी गाड़ी नीचे ना लग जाए दोस्तों। और काफी उबड़ खाबड़ रास्ता दोस्तों, देखिए
और इस एरिया में काफ़ी एलिफेंट ने गोबर किया हुआ है। मुझे डर भी लग रहा है कहीं कहीं से भाग के आ जाए तो हमें गाड़ी घुमाने का भी मौका नहीं देगा, और मुझे काफ़ी डर लग रहा है आगे जाना। भटरानी का जंगल काफ़ी खतरनाक जंगल है, काफ़ी वाइल्ड एनिमल मिलते हैं यहाँ। घने जंगल के बीच में है, देखिए दोस्तों, बिल्कुल आप ये लगाइए कि टाइगर के जंगल में है ये देखिए। और काफी देर हो गई हमें, देखिए ड्राइव करते करते और पूरा सागवान ट्री आप देख रहे हैं। दोस्तों आगे काफ़ी ख़राब रास्ता है और हमें यहीं से घूमना पड़ेगा क्योंकि आगे काफ़ी जंगली जानवरों का मुझे डर लग रहा है। और दोस्तों देखिए आगे पटरानी के लिए रास्ता बिल्कुल, हमारी गाड़ी वहां नहीं जा पाएगी तो हमें वापस होना पड़ेगा क्योंकि दोस्तों देखिए आगे रिस्क लेना बेकार है, कहीं कोई हाथी ना हो आगे और हमारा रास्ता रुक जाए और हम गाड़ी भी ना वो कर सकें, तो इसलिए हम बैक कर रहे हैं और अब हम चलते हैं वापस। और दोस्तों यहाँ क्योंकि काफ़ी जंगल का एरिया है, चलते हैं बैक को। और दोस्तों देखिए पटरानी का रास्ता यहाँ से 1.5 किलोमीटर और आगे है, तो आगे काफ़ी उबड़ खाबड़ रास्ता है और जिससे हमें काफ़ी डर लग गया और कहीं हाथी हमें कहीं आगे कहीं रोक ना ले क्योंकि पूरा जंगल का एरिया है और कोई पता नहीं यहाँ पर कोई जानवर आ जाए, तो इसलिए हम वापस बैक हो गए और अब चल रहे हैं सीधे घर की ओर। और देखिए दोस्तों वापस हम हो गए पटरानी के इस जंगल से, देखिए काफ़ी घना जंगल ये है और ये भी पूरा जंगल जो पटरानी गांव है ये भी काफ़ी घने जंगल के बीच में है और आप ये लगाओ कि टाइगर के टेरिटरी में ये गांव है बिल्कुल। और वहाँ से हमें यहीं से हमें आधे रास्ते से हमें लौटना पड़ा। और आप देख रहे हैं रास्ता दोस्तों, देखिए हमारी छोटी गाड़ी और कहीं फंस ना जाए और कहीं हमें काफ़ी मुसीबतों का सामना ना करना पड़े कहीं, तो इसलिए हम वापस हो गए और कहीं चैम्बर नीचे ना लगे, ये भी यहाँ पर डर है क्योंकि ये जंगल का रास्ता, क्योंकि मैकेनिक यहाँ पर मिलने वाले हैं नहीं। और दोस्तों देखिए हम वापस हो गए क्योंकि क्या है यहाँ पर मैकेनिक भी नहीं मिल पाएंगे और जंगल का रास्ता है काफ़ी दूर है, रामनगर 30-35 किलोमीटर और यहाँ पूरा हाथी का जंगल, चारों ओर से जंगल जंगली जानवरों का डर है, तो हम वापस हो गए अभी। और अभी हम जा रहे हैं वापस को और चलते हैं सीधे आगे। गाड़ी भी काफ़ी हिल चुकी है पूरी क्योंकि काफ़ी खड्डे हैं, बड़े बड़े पत्थर हैं। और देखिए दोस्तों ये पूरा सागौन ट्री आप देख रहे हैं यहाँ पर, और इन जंगलों में ज़्यादा हाथी का खतरा है दोस्तों क्योंकि गाड़ी को भगा भी नहीं सकते हम,
हम ले आए, आते समय हम आ गए, लेकिन अब हमें काफ़ी डर लग गया यहाँ पर और हम वापस आ गए। आधे रास्ते से देखिए जंगल के आधे रास्ते से हमें वापस आना पड़ा क्योंकि रास्ता बिल्कुल बंद और आगे काफ़ी खतरा हाथियों का। और सागुन ट्री में देखिए दोस्तों आज के पूरा जंगल पतझड़ हुआ है। देखिए ये और दोस्तों इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और दोस्तों के बीच में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।